सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में फिर एक परेशान किसान की मौत। जानकारी के मुताबिक ग्राम अतरालिया निवासी रमेश बाबूलाल प्रशासनिक दबाव में आकर प्रताड़ित होने से कल रात मौत हो गई। शव को रखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नसरुल्लागंज में परिवारजनों ने हंगामा किया। प्रशासन एवं पुलिस मौके पर मौजूद। मामला अतरालिया ग्राम में रमेश बाबूलाल द्वारा शासकीय भूमि पर विगत कई वर्षों से अतिक्रमण का था, जिस पर शासन द्वारा नल जल योजना अंतर्गत पानी की टंकी बनाई जा रही थी, जिसका विरोध रमेश द्वारा किया गया, लेकिन बार बार प्रशासन द्वारा नोटिस दिया जा रहा था, जिससे परेशान होकर कल रात रमेश की मौत हो गई, जिसके शव को परिवारजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हंगामा किया गया। और परिजनों का कहना है कि जब तक प्रशासन हमें उक्त भूमि का पट्टा नहीं देता, हम इस शव का ना तो पोस्टमार्टम होने देंगे और ना अंतिम संस्कार करेंगे। संतोष मीणा की रिपोर्ट, नसरुल्लागंज, आज की आवाज। ये सबको आपने ये प्रांगण में रख रखा है, ये मामला ये है कि रमेश भाई एससी का व्यक्ति है, अतरालिया का रहने वाला है, और उनको तहसीलदार साहब के द्वारा जमीन का बेदखली का उनको नोटिस दिया कि आपको यहाँ से आपकी ज़मीन छोड़कर जाना है। उनने पूछा क्यों, उनने कहा यहाँ पर पानी की टंकी बनाई जाएगी। कि साहब अतरालिया में और भी ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है शासकीय ज़मीन, लेकिन मेरे पास ये 1.5 एकड़ ज़मीन इस पर क्यों बनाई जा रही है? मेरे पास 1975 का कब्जा है, 1975 का कब्जा है, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसको इतना प्रताड़ित कर दिया, तहसीलदार साहब ने उनके कार्यालय से उनको लड़कार झुसकार के भगा दिया। 2 दिन के अंदर यदि नहीं करा तो तेरे को हम फिर बताएंगे। इतना मानसिक टेंशन आ गया था कि मानसिक टेंशन आने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। आज हमारी शासन से मांग है कि सरकारी ज़मीन सब लोगों के पास है, एक गरीब की ज़मीन आपको क्यों दिख रही है? उनकी 5 बेटी है, 1 बेटा है, उसका पूरा परिवार उजड़ गया, उसकी मदद की जाए। उनकी 5 लाख, 5 बेटी की 5 लाख रुपये की मदद की जाए, और जो ज़मीन से उनको हटा रहे हैं उस ज़मीन का उनको हक दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश धावरे है, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 1 से, और समाज सेवा का काम करता हूँ। ग्राम अतरालिया का मामला है, जहाँ पर अनुसूचित जाति के जो 1976 से उनका कब्जा काबिज थे, जिस पर खेती करके अपना जीवन यापन गुजारा करते थे, लेकिन माननीय तहसीलदार जी ने एक आदेश पारित किया कि वहाँ पर पानी की टंकी बनाई जाएगी, और उस टंकी बनी, जब से उनको आदेश मिला और बेदखली का आदेश मिला, तब से वो मानसिक तनाव में थे, और मानसिक तनाव इतना बड़ा कि कल रात को उनकी मृत्यु होगी। डॉक्टर बोल रहे ब्रेन हेमरेज से हुई, हम लोग कह रहे हैं कि मानसिक तनाव से हुई। उनकी पत्नी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो मृत्यु जब से नोटिस मिला है तब से वो बहुत परेशान थे। वो बार बार कहते थे मेरी 5 लड़की 1 लड़का है, कैसा जीवन यापन कर लूँगा, कैसे खाना खाएंगे, कैसे परिवार को पालूंगा। इस दुख के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग? हमारी प्रशासन से ये मांगे, सबसे पहले मांगे तो टंकी का प्रस्ताव निरस्त किया जाए, उस भूमि का पट्टा पीड़ित परिवार को दिया जाए, और 10 लाख रुपए की राशि तत्काल उनको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए, ये हमारी मांग है। और मैं आपकी टीवी के चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के और नसरुल्लागंज के प्रशासन एक बात गंभीरता से सुन ले कि अब सरकार बदल गई है, कहीं भी अनुसूचित जाति की जमीन को इस टाइप का अधिग्रहण करेंगे तो कर्मचारी अधिकारों पर कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? हम इस मांग पूरी होने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जहाँ तक जो भी कर सके हम उसके लिए तत्पर और तैयार है। इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद।